आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन अब पूरे देश में लागू हो चुका है। अब इसमें आप अपना हेल्थ आईडी बना सकते हैं। देश के सभी हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक्स, डॉक्टर्स और नर्सों को इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा। जब भी आप हॉस्पिटल या क्लिनिक्स जाएंगे तो आपको मेडिकल हिस्ट्री का रिकॉर्ड आपको अपने साथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी मेडिकल हिस्ट्री आपके हेल्थ आईडी पर डिजिटली रिकॉर्ड रहेगी, जिसको बहुत ही आसानी से किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में चेक किया जा सकता है। तो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। सो आज के वीडियो में मैं आपको हेल्थ आईडी बनाने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको दुकान वाले के पास या साइबर कैफे में जाके लंबी लंबी लाइनें लगा के या वहाँ पे जो है आपको 100-150 रुपये खर्चे करने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि आप ये वीडियो देखने के बाद बहुत ही इजी तरीके से आप हेल्थ आईडी खुद से ही आप अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से बना सकते हैं। आपको कहीं भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में आप कम्प्लीटली लास्ट तक ज़रूर बनिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेल्थ आईडी बनाने के लिए आपको इस पेज पर आना पड़ेगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। यहाँ क्रिएट योर हेल्थ आईडी नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने में कुछ इस तरीके से हेल्थ आईडी का पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप जनरेट भाया आधार पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास आधार नहीं है और आप जो है आधार नहीं देना चाहते हैं तब तो यहाँ आप सेकेंड ऑप्शन को चूज करेंगे, लेकिन अगर आपके पास आधार है और आप आधार से अपना हेल्थ आईडी बनाना चाहते हैं तब यहाँ जनरेट भाया आधार पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे, इसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ कैप्चा को फिलअप करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट वाले पे क्लिक कर देना है। आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड सेव या नेवर, चलिए हम यहाँ से नेवर कर देते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने हेल्थ आईडी के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे, आपके उसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा जो भी आप दिए हुए हैं। ओटीपी डालने के बाद यहाँ सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपका जो प्रोफाइल यहाँ पे ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पर आपका पिक आ चुका है, यहाँ पर आपका नाम आ चुका है, यहाँ पर आपका मिडिल नेम और यहाँ पर आपका लास्ट नेम, यहाँ पर आपको जो डेट ऑफ बर्थ आ चुका है। UPI पिन सेट करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर PHR जो है आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। आपके पास ईमेल एड्रेस है तो आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल देना है, नहीं है तो इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर सब कुछ डालने के बाद यहाँ सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। सबमिट वाले पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए कि आपका जो है हेल्थ आईडी यहाँ पे क्रिएट होके आ चुका है। इस साइड में आपका देखिए प्रोफाइल एक्शन का है तो ये आपका प्रोफाइल यहाँ पे आपका जो आ जाता है। यहाँ पर देखिए माय अकाउंट है तो माय अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना प्रोफाइल को जो है एडिट कर सकते हैं। पासवर्ड यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, यहाँ पर अपडेट मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पर आप KYC वेरिफिकेशन कर सकते हैं, यहाँ से आप जो है अकाउंट को डीएक्टिव और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको सरकार की तरफ से जो भी बेनिफिट मिलेगा तो यहाँ बेनिफिट्स माय बेनिफिट्स वाले पे क्लिक करेंगे और आपको जो सरकार से जो भी बेनिफिट मिलेगा आपको यहाँ बेनिफिट वाले में आपको यहाँ पे शो होगा। अगर आप अपना इस हेल्थ आईडी को लॉग आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना लॉग आउट कर सकते हैं। अपने इस हेल्थ आईडी को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड हेल्थ आईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको डाउनलोड करके आप जो है किसी दुकान वाले या साइबर कैफे में जाएंगे, वहाँ पे इसको जो है आप लेमिनेट करा लेंगे और लेमिनेट करा के इसको अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका PHR एड्रेस आ चुका है, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर जेंडर और मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर आ चुका है। ये आपको जो है बारकोड यहाँ पर आपका आ जाता है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आप आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं तब यहाँ दूसरे ऑप्शन को क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर पे। इसके बाद यहाँ जनरेट भाया मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे, इस कैप्चा को इस तरीके से फिलअप करेंगे, इसके बाद यहाँ सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। सबमिट वाले पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल पे OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे मेरे केस में आ गया है, मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ।
ओटीपी डालने के बाद सिंपली सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका पूरा जो है प्रोफाइल ओपन हो के आ जाता है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आ गया, यहाँ पे आपको प्रथम नाम डालना है, मध्य नाम मतलब मिडिल का नाम, और यहाँ पे लास्ट नाम। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जेंडर चूज कर लेंगे, महिला या जो है पुरुष है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है पूरा PHR एड्रेस डालना है। जैसे आप UPI पिन सेट करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे आपको एक पिन सेट कर लेना है। यहाँ पे पासवर्ड आपको डालना है, पासवर्ड को दोबारा से कन्फर्म कर देना है। यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, यहाँ से आपको जो है स्टेट चूज कर लेना है, जो भी स्टेट से है इस तरीके से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। सबमिट वाले पे क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए कि आपका जो है हेल्थ ID यहाँ पे क्रिएट होकर आ चुका है। इस साइड में आपका जो है प्रोफाइल एक्शन है, यहाँ से जो है डाउनलोड हेल्थ ID कार्ड पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका अकाउंट आ जाता है, यहाँ से अपना प्रोफाइल कर सकते हैं, यहाँ सेट कर सकते हैं प्रोफाइल को, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, यहाँ KYC जो है कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ पे जो है डीएक्टिव और डिलीट अकाउंट कर सकते हैं। अगर सरकार की तरफ से आपको कोई भी बेनिफिट मिल रहा है तो यहाँ पे बेनिफिट माई बेनिफिट पे क्लिक करके यहाँ से अपना बेनिफिट देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डाउनलोड हेल्थ आईडी कार्ड पे जाके इसको आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, और साइबर कैफे या दुकान वाले के पास जाके इसको जो है आप फोटोकॉपी करा के और लेमिनेट करा के इसको आप रख सकते हैं। अगर आप इसको लॉग आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको आप लॉग आउट कर सकते हैं। अगर आपको किसी टाइम इसको आपको डिलीट करना है परमानेंटली तो यहाँ पर देख रहे हैं डीएक्टिव एंड डिलीट, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, यहाँ पे डिलीट माय हेल्थ आईडी परमानेंटली आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ कंटिन्यू वाले पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको फिर से कंटिन्यू वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रीजन चूज करना पड़ेगा कि आप जो है इस हेल्थ आईडी को क्यों परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हेल्थ आईडी इज डिफ्यूज टू यूज, तो आपको ये वाला ऑप्शन को चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे भाया मोबाइल OTP या भाया पासवर्ड के द्वारा भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं अपना अकाउंट को परमानेंटली। तो यहाँ पे हम जो चूज कर लेते हैं भाया मोबाइल नंबर OTP। अब आपके मोबाइल पे OTP गया हुआ, वो OTP यहाँ पे आपको डाल देना है। OTP डालने के बाद यहाँ सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। सबमिट वाले पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए यू हैव सक्सेसफुली डिलीटेड योर हेल्थ आईडी। तो यहाँ से जो है आपका जो है हेल्थ आईडी परमानेंटली डिलीट हो गया है। सो गाइस, इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप जो है अपना हेल्थ आईडी बना सकते हैं और अपने हेल्थ आईडी को परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से हेल्थ आईडी अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, आप बिना दुकान पर जाए, बिना साइबर कैफे में जाए, आप किस तरीके से बना सकते हैं घर बैठे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।